पराठा पोहा, उसके लिए मैंने यहाँ एक प्याला, हमने यानी 2 कप पोहा ले लिया है। पोहा को हम अच्छे से धो करके जाली में डाल के और साइड में रख लेंगे। और एक मीडियम आकार का हमने बटाटा यानी आलू ले लिया है, उसे हमने अच्छा पतला पतला स्लाइस में काट लिया है। ज्यादा मोटा नहीं काटना है, क्योंकि अगर मोटा काटेंगे तो पकने में टाइम लेगा, इसलिए पतला पतला छोटा छोटा एक आलू हमने काट के और धो लिया है। तो हम पोहे को धो करके और साइड में रख देंगे। अब हम गैस ऑन करेंगे और गैस पे हम एक पैन हमने रख लिया है। पैन में हमने 1 से 1.5 टेबल स्पून तेल ले लिया है और हम तेल को हल्का गर्म होने देंगे। पहले तेल हमारा हल्का गर्म हो गया है और अब हम इसमें ये मूंगफली डालेंगे सींग दाने। और सबसे पहले हम इन्हें इसमें हिलाते हुए इन्हें भून लेंगे, थोड़ा कलर चेंज होने तक हम इन मूंगफलियों को इसमें भून लेंगे। मूंगफली हमारी भून गई है, अब हम इन्हें एक कटोरी में निकाल लेंगे। गैस की फ्लेम को लो कर लेंगे और हम इसमें आधा छोटी चम्मच राई, आधा छोटी चम्मच जीरा, 1 पिंच हींग, कड़ी पत्ता और हरी मिर्ची डाल लेंगे। हरी मिर्ची को यहाँ हमने बारीक काट लिया है, मैंने यहाँ 3 हरी मिर्ची ली है। आप अपने स्वाद अनुसार ले लें कि आपको कितना तीखा करना है। और हम इसमें ये आलू डालेंगे। मिर्ची को सिर्फ हमने 1 मिनट भूंदा और अब हम 2 मिनट ये आलुओं को इसमें इस तरह लगातार हिलाते हुए थोड़ा फ्राई कर लेंगे, भून लेंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम कर लेंगे। 2 मिनट हो गई हमें आलुओं को ऐसे ही भूनते हुए। और अब हम इसमें मसाले डालेंगे, आधा छोटी चम्मच हल्दी, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्ची, नमक स्वाद अनुसार। इन्हें डाल के हम 1 टेबल स्पून जितना इसमें पानी डालेंगे और मसाले के अच्छे से भूनने तक हम इन्हें हिलाते हुए इसी तरह पका लेंगे। 1 मिनट हम आलुओं को थोड़ा ढक करके पका लेंगे। 1 मिनट हो गई है हमें ढक करके आलुओं को पकाते हुए। और हम एक आलू उठा करके चेक करेंगे, ये देखिए हमारे आलू बहुत ही आसानी से फूट रहे हैं, यानी आलू हमारे पक गए हैं। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून नींबू का रस डालेंगे, 1 छोटी चम्मच शक्कर। शक्कर ऑप्शनल है, अगर आप खाना पसंद करते हैं हल्का खट्टा मीठा तो ही शक्कर डालें, वरना शक्कर को आप स्किप कर लें। और अब हम इसमें पोहा डालेंगे जो कि हमने पहले से धो करके और तैयार किया हुआ है, और पोहों को मसाले में अच्छे से मिक्स कर देंगे। गैस की फ्लेम को हम लो ही रखेंगे, अब हमें तेज नहीं करना है। पोहे हमने अच्छे से मिक्स कर लिए, अब हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे और फ्राई की हुई मूंगफली इसमें डाल के अच्छे से मिक्स कर देंगे और गैस बंद कर देंगे। अब हम इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। ये हमारा बटाटा पोहा बन करके तैयार हो गया है। इसे आप थोड़ी सी बारीक इस पे झीनी सेव डाल करके और नमकीन बारीक वाली डाल करके सर्व कीजिए। बहुत ही टेस्टी हमारा बटाटा पोहा बनके तैयार हुआ है। आप इसे सुबह के नाश्ते में बनाइए या शाम को हमें हल्की फुल्की भूख लगी है और हमें कुछ चटपटा खट्टा मीठा खाने की इच्छा हो तो हम इस तरह का पोहा बना करके और खा सकते हैं। तो आप ये बनाइए, खाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।